टमाटर भी डालते हो तुम लोग? टमाटर इतने महंगे हो गए फिर भी टमाटर ये डाल रहे हैं। तो अभी मैं आपको फटाफट कंपेयर करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। अगर आपको सस्ता वाला पिज्जा खाना है तो कौन सा बेटर ऑप्शन है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ लोअर परेल स्टेशन पर और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चटपटा खाया जाए, बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे आके देखा मैंने कि यहाँ पे पिज्जा मिल रहा है, वो भी सिर्फ 30 रुपीज में। क्योंकि हम लोग जब घर पे पिज्जा बनाती हूँ मैं, कभी भी 100-150 रुपए का मटेरियल हो जाता है, फिर हम लोग पिज्जा बनाते हैं, 2-3 पिज्जा उसमें हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज का पिज्जा मिल रहा है। तो मुंबई का आज सबसे सस्ता वाला पिज्जा आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं आपको डोमिनोज का भी सस्ता वाला पिज्जा दिखाऊंगी और उसका हम कंपेरिजन करेंगे कि इन दोनों में से सस्ता वाला पिज्जा कौन सा अच्छा है। अगर आपको चॉइस करना है कि सस्ता वाला पिज्जा ही मुझे खाना है, तो आप कौन सा सस्ता वाला पिज्जा खा सकते हो, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही पिज्जा की स्टॉल है, जहाँ पर ये भैया से 30 रुपए में एकदम सस्ता वाला पिज्जा बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, 30 रुपए में क्या क्या दे रहा है भाई, तो ये देख लेते हैं और इसके बाद हम जाके डोमिनोज के सस्ता वाले पिज्जे के साथ भी उसको कंपेयर करेंगे। सो लेट्स गो। सो ये है वो स्टॉल जहाँ पर सिर्फ 30 रुपीज में पिज्जा मिल रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना रहे हैं। ये 30 रुपीज में कैसे बनाते हो यार आप पिज्जा? मतलब मैं घर पे सामान लाती हूँ तो भी मतलब इतने सस्ते में हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो जरा मुझे बताओ क्या क्या आप डाल रहे हो, कैसे बना रहे हो। सो दादा, ये आपने कौन सा ले? ये मेयोनीज है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे ये देखिए पिज्जा का ब्रेड लिया हुआ है, उसके ऊपर सबसे पहले मेयोनीज लगाया। अब क्या लगाएंगे? आपका बना हुआ चटनी है। चटनी है, लसुन है। ओके, क्या क्या डालते हैं उसमें? लसुन है, मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची है, अदरक है, मसाला है, और फिर पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस? अच्छा, पिज्जा सॉस। अच्छा, ये आपने एक साथ सब बना के रखा है? सब कांदा है, शिमला है, टमाटर है, तीनों मिक्स रहता है एक साथ। ओके, तो ये देखिए इसमें कांदा, टमाटर, शिमला मिर्ची सब डाल दिया। अब नेक्स्ट चाट मसाला। चाट मसाला, पूरा देसी पिज्जा बन रहा है यहाँ पे। लेकिन यार 30 रुपीज में तुम एकदम भर भर के दे रहे हो, एकदम कस्टमर खुश। भैया उतना ही डालना जितना तुम डालते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए भाई डाल दिया भर भर के। अच्छा, इतना ही डालते हो ना हमेशा? अभी मुझे अलग से फ्रेश बना के दिखाना। अभी ये देखिए 30 रुपीज में इन्होंने पिज्जा बेस में ये सब डाल दिया है। अभी ये जाएगा तवे पे। ओहो, अभी इसमें क्या डालोगे? ओके, अभी बटर कितना डाल रहे हो? वो भी जितना डालते उतना ही डालना। अच्छा, ये नीचे से पूरा क्रिस्पी हो जाता है? नीचे से क्रिस्पी रहता है। लेकिन यार तुम लोग को 30 रुपए में पड़ता है ये? हाँ, सच सच बता रहा। थोड़ा बहुत पड़ता है। इसमें टमाटर भी डाले यार? टमाटर भी डालते हो तुम लोग? टमाटर इतने महंगे हो गए फिर भी टमाटर ये डाल रहे हैं। टमाटर नहीं, टमाटर जी कहिए, टमाटर जी। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। ये देखिए भाई, बटर भी एकदम भर भर के डाला हुआ है। अभी ये इसमें चीज मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आप मुझे पार्सल करके देना। हाँ, और ये इसमें गोभी भी डालते हैं क्या? पिज्जा खाया था उस वक्त की बात बताती हूँ। वो पिज्जा में भी ना ऐसे देखा कि बहुत सारा बच्चों डाला हुआ था, लेकिन जब मुझे मैंने पास में जाके देखा तो वो चीज के बदले पत्ता गोभी जो रहता है ना, वो उसने छोटा छोटा करके डाला था। पत्ता गोभी भी डालते हो क्या? इन्होंने पत्ता गोभी नहीं डाला है। तो 30 रुपीज में एकदम ऑनेस्ट पिज्जा दे रहे हैं। यहाँ पे इनका पिज्जा एकदम रेडी हो रहा है। तो अभी जो मैंने पिज्जा लिया है वो देखिए इसके नीचे है क्या? अच्छा, ये वाला है। ओके ओके, तो मेरा पिज्जा रेडी हो गया है। मुझे पार्सल नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो गया, भर भर के बटर डाल दिया। भैया मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा।
अभी इसकी कटिंग हो रही है और इसको अभी ये पार्सल करेंगे। यहाँ पे मैंने मेरा 30 रुपीज वाला ये सबसे सस्ता वाला पिज्जा ले लिया है और अभी मैं इसको लेके चलती हूँ डोमिनोज में और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमारे सस्ता वाला पिज्जा कैसा है और उसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ डोमिनोज में और यहाँ से मैं डोमिनोज का सबसे सस्ता वाला पिज्जा उठाऊंगी और फिर हम कंपेयर करेंगे मेरे 30 रुपए के पिज्जा को डोमिनोज के सस्ते वाले पिज्जा के साथ। तो आपने आज तक बहुत सारे कंपेरिजन देखे होंगे, एक सस्ता वाला पिज्जा और महंगा वाला पिज्जा, लेकिन आज हम देखेंगे सस्ता वाला पिज्जा स्ट्रीट साइड वाला और डोमिनोज का सस्ता वाला पिज्जा में क्या फर्क है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गो। पहले हम एक उठाते हैं डोमिनोज से सस्ता वाला पिज्जा। मुझे तो सबसे सस्ता वाला चाहिए तो वही दे दो 51 वाला। सो गाइस फाइनली मैं मेरे दोनों पिज्जा लेके आ गई हूँ। ये मेरा स्ट्रीट वाला 30 रुपए वाला पिज्जा है और ये डोमिनोज का सबसे सस्ता वाला 51 रुपीज का पिज्जा है। तो अभी मैं आपको फटाफट कंपेयर करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, अगर आपको सस्ता वाला पिज्जा खाना है तो कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ मेरा सस्ता वाला पिज्जा। तो अभी मैं ये देखिए, एक्चुअली ना डोमिनोज में अंदर ना अलाउ नहीं करते ना बाहर का फूड, तो इसलिए मैं मेरी स्कूटी पे ही लेके आ गई आपको रिव्यू दिखाने के लिए। तो देखिए मैंने पहले ये मेरा सस्ता वाला 30 रुपए वाला पिज्ज़ा ओपन किया है। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है और मैं पार्सल लेके आई हूँ, लेकिन देखिए इनका चीज़ इसमें बिल्कुल लगा नहीं है और जैसे देख सकते हैं आप ये बहुत थिन क्रस्ट जैसा है, नीचे से क्रिस्पी है। आपने देखा ही होगा बटर भर भर के डाला था उसने, तो उन्होंने यहाँ पे देखे टमाटर महंगे हैं लेकिन डाले यार, ऐसा नहीं किया सस्ता है इसलिए नहीं डाला करके थोड़ा थोड़ा टमाटर सब जगह दिख रहा है और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, इनफ है 30 रुपीज़ में। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ कैसा है। अच्छा है, मतलब जो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मेयोनीज ये वो फलाना फलाना सब डालते रहते हैं, इतने सारे वीडियोस हम देखते हैं जो स्ट्रीट फूड वाले पिज़्ज़ा जो बनाते हैं बहुत ज़्यादा मेयोनीज डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, वैसा कुछ नहीं डाला भैया ने। जो नीचे जो बटर डाला था उसका फ्लेवर अच्छा आ रहा है, क्रिस्पी है अच्छा सा और उसके अंदर जो चीज़ वगैरह ऊपर डाला है कम डाला है लेकिन उसका फ्लेवर आ रहा है भाई। और 30 रुपये में क्या मिलेगा, 30 रुपये में तो सारा आज कुछ 1.5 किलो टमाटर भी नहीं मिल रहा है, 30 रुपये में और क्या मिलेगा। बात तो सही है। तो 30 रुपये के हिसाब से ये अच्छा है। तो अभी मैं इसको डोमिनोज के पिज्ज़ा के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरा लास्ट वाला बाइट भी फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ डोमिनोज का सबसे सस्ता डोमिनोज का सबसे सस्ता वाला पिज्ज़ा कैसा है। यार देख के मतलब रहा नहीं जा रहा है ये। अच्छा ये जो पिज़्ज़ा है वो 51 रुपीज़ में मैंने लिया है और आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा जो है इसमें कोई टॉपिंग्स नहीं है, इसमें ना ऑनियन है टमाटर है। भाई इन्होंने 51 रुपीज़ में टमाटर नहीं दिया है, अपने स्ट्रीट वाले भैया ने तो 30 रुपीज़ में टमाटर भी ला के दिया है इन्होंने, ना कांदा दिया है ना ऑनियन दिया है ना कैप्सिकम दिया है। तो 51 रुपीज़ में जो सबसे सस्ता वाला डोमिनोज का पिज़्ज़ा है उसमें आपको सिर्फ चीज़ वाला पिज़्ज़ा मिलेगा, लेकिन चीज़ तो डाला है। अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि चीज़ कितना डाला है, यहाँ पे दिख तो रहा है। भाई टमाटर नहीं डाला है, कांदा नहीं डाला है, लेकिन डोमिनोज वालों ने चीज़ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अच्छा खासा मतलब गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चीज़ 51 रुपीज़ में उन्होंने अच्छा खासा चीज़ दिया है इसमें ताकि आपको इनफ हो। तो
तो अगर आपको सस्ता वाला पिज्जा खाना है तो आप उससे कि अगर आपको टॉपिंग्स वगैरह इतना में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप डोमिनोज का 51 रुपीज़ वाला पिज्जा ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सस्ता वाला पिज्जा खाना है तो आप ये डोमिनोज का 51 रुपीज़ वाला पिज्जा ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट है वो 72 रुपीज़ वाला है, उसमें आप ऑनियन का पिज्ज़ा देते हैं, वो फिर कैप्सिकम का होता है, फिर टमाटर का होता है, मतलब सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट डाल के वो लोग पिज्ज़ा देते हैं। कॉर्न वाला भी आता है तो वो 72 रुपीज़ वाला है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको बहुत सस्ता वाला खाना है लेकिन आपको आउटलेट में जाके लेना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो में जब हम ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, फलाना फलाना चार्ज सके कि और बढ़ा देते हैं। आप आउटलेट में जाके अगर आपको सस्ता वाला पिज्जा चाहिए तो आप ये 51 रुपीज़ वाला ले सकते हैं। 30 रुपये में मैं ये सस्ता वाला पिज्जा जो लाई हूँ, मैं रेलवे स्टेशन के बाहर है, लोअर परेल वेस्ट में रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली बाहर आप आएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे स्टेटस करके एक होटल है, उसके एग्जैक्टली बाहर ये बंदा बैठा है, मतलब उसका स्टॉल है पिज्ज़ा का, और उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। अभी जब मैं गई तो शाम के वक्त थोड़ा बारिश वारिश भी हो रहा था इसलिए थोड़ा भीड़ कम था, लेकिन वहाँ पे लोग आते हैं, उसका कंटिन्यू सेल होता रहता है, कंटिन्यू मतलब जैसे मैंने उसको पूछा तो दिन के एटलीस्ट वो 100-150 पिज़्ज़ा तो बेचता ही है। तो मेरे कंपेरिजन में ये 30 वाला पिज़्ज़ा भी नॉट बैड, 30 रुपये के हिसाब से, 51 रुपीज़ के हिसाब से डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी नॉट बैड। लेकिन अगर मैं को पूछा जाए मुझे कौन सा अच्छा लगा तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस 30 रुपये वाला पिज़्ज़ा, क्योंकि इसमें मुझे सारी टॉपिंग्स भी मिली है, ये टेस्टी भी है, इनका सॉस भी अच्छा लग रहा है, और वो जो बटर के साथ क्रिस्पीनेस आया ना वो भी मस्त है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और मेरी ऐसी अच्छी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, और मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।